हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड। और इंग्लिश सेकेंड में चल रहा आपका चैप्टर नंबर 8, प्रोनाउंस। डियर स्टूडेंट्स, इसके मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर ई तक करा दिया, आज क्वेश्चन नंबर एफ होगा, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर एफ, गिवन बिलो आर सेंटेंसेस विद रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस इन दैम, रीड दैम केयरफुली एंड राइट RP for reflexive pronouns और EP for emphatic pronouns against each। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्क मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट करें और अंडरस्टैंड करें। और देखिए मैं इसको आगे कराता हूँ। देखिए नंबर वन है, वी ऑफ्टन डिसीव आवर सेल्फ्स। तो आवर सेल्फ्स क्या हो गया यहाँ? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, तो हिमसेल्फ क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउंस। द हॉर्स हैज़ हर्ट इट्सेल्फ, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। इट्सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। नंबर फोर है, सम पीपल लव टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, देमसेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। फाइव है, द कुक्स फूड फॉर फैमिली हरसेल्फ, हरसेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। ही कस्ट हिमसेल्फ, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। दे देमसेल्फ्स ऑफर्ड हेल्प, एम्फेटिक प्रोनाउंस। रोहन हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट इट वॉज ट्रू, तो एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट करें और लर्न करें। और डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो जो आपको वर्क कराया गया उसे अच्छी तरीके से लर्न और अंडरस्टैंड करते रहें, क्योंकि आपके हाफली एग्ज़ाम का कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।